ओके रिकॉर्डिंग हो रही है। चल नहीं पानी और तो बुकलेट 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 बस बस तुम कितने अच्छे हो। अब ऐसा करो एक अच्छा काम करो जाओ। अच्छा अच्छी लेके आना बेटा ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फिर से बोलना पड़ेगा, एस्टीमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एस्टीमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वाली मतलब क्वालिटी, क्वालिटेटिव एनालिसिस से हम क्वालिटी का पता लगाएंगे कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट उपस्थित हैं, सल्फर है या नहीं है, फास्फोरस है या नहीं। और जब क्वालिटी का पता लगा लेते हैं तो फिर पता लगाते हैं उनकी क्वांटिटी का, मतलब हम लोग कराएंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो पहले होता है क्वालिटेटिव, फिर होता है क्वांटिटेटिव। पहले पता लगाएंगे कौन कौन से एलिमेंट हैं और फिर पता लगाएंगे उनका परसेंटेज क्या क्या है। तो आइए सबसे पहले डील करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। सुनना, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो हम लोग कार्बन का पता कभी नहीं लगाते, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो होगा ही होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन का पता भी हम लोग नहीं लगाते, क्योंकि 99.99% ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन भी होता है। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने 100% नहीं बोला। क्यों? कार्बन तो 100% होगा लेकिन हाइड्रोजन हो ये जरूरी। आप देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। तो यूजली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो 100% होता है और हाइड्रोजन भी 99% होता ही होता है, इसलिए इन दो एलिमेंट का पता लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। फिर भी अगर कोई आपसे पूछे कि नहीं भाई बताओ कार्बन और हाइड्रोजन को कैसे पता करोगे, तो वो भी सुन लो। हम लोग उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। बेटा किसके साथ? क्या ये काम करने की कोई जरूरत है? नहीं, कार्बन होता ही होता है, हाइड्रोजन भी होता ही होता है। इक्का दुक्का केस बन सकते हैं कि हाइड्रोजन ना हो, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन को पता करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर भी आपसे कोई पूछे तो आप ऐसे बता सकते हैं, हमने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया, सुनो क्या हुआ, इसके अंदर जो भी हाइड्रोजन होगा वो वाटर के फॉर्म में बाहर आ जाएगा और जो भी कार्बन होगा वो CO2 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। इस वाटर को पता करने के लिए हम लोग इसको पास करेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से। अगर हमको ब्लू कलर मिला, इट मींस वाटर इज प्रेजेंट, और अगर वाटर प्रेजेंट है इट मींस हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। ये ब्लू कलर बच्चों किसका होता है? तो ये ब्लू कलर आपको मालूम है ब्लू विट्रियोल का होता है। किसका होता है? ओके तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड से गर्म करने पर जो वेपर हमको मिला उसको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से पास किया, अगर ब्लू कलर मिला तो वाटर उपस्थित है, और अगर वाटर उपस्थित है तो हाइड्रोजन उपस्थित है। अगर ब्लू कलर नहीं मिला तो वाटर उपस्थित नहीं है, अगर वाटर उपस्थित नहीं है तो हाइड्रोजन भी उपस्थित नहीं। बताइए इस कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड में गर्म करने पर क्या वाटर वेपर मिलेगा? क्या ब्लू कलर मिलेगा? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, CO2 गैस को कैसे पता करते हैं? हम लोग इसको पास करते हैं
लाइम वाटर से, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमें मिलता है बच्चों मिल्की प्रिसिपिटेट, दूधिया, दूध जैसा सफेद प्रिसिपिटेट हमको मिलता है। और इस प्रिसिपिटेट में अगर इस गैस को हम एक्सेस में पास करें इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन मिल्की कलर डिसअपीयर। बच्चों ध्यान रखना, लाइम वाटर के साथ ये नौटंकी सिर्फ दो ही गैसें शो करती है। मैं किस नौटंकी की बात कर रहा हूं कि पहले दूधिया रंग आया और फिर दूधिया रंग गायब हो गया। ये नौटंकी लाइम वाटर के साथ सिर्फ दो गैसें शो करती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर ये नौटंकी हो रही है मतलब यहां पर CO2 या SO2 उपस्थित है। अब मामला गड़बड़ हो गया, ये नौटंकी CO2 भी शो करती है और SO2 भी शो करती है। तो अपने कंफ्यूजन से बचने के लिए जब हम लोग इसको कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सीधे इनमें पास ना करके सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का। बेटा बोलो किसका? और इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का काम होता है कि अगर कोई सल्फर डाइऑक्साइड बनी है तो ये उसको रिमूव कर देता है। क्या कर देता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का काम होता है टू रिमूव SO2, टू अवॉइड, बोलो कौन से कंफ्यूजन से बचने के लिए? इस नौटंकी वाले कंफ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि ये नौटंकी CO2 भी करता है और SO2। तो SO2 को हटाने के लिए हम डाइक्रोमेट का यूज कर देते हैं। अब हमने लाइम वाटर में पास किया, अगर अभी भी ये नौटंकी चल रही है तो समझ जाओ कौन सी गैस है, तो समझ जाओ क्या उपस्थित है। बाबरे समझ में आ गया? आप लोग सोच रहे होंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट SO2 को कैसे हटाता है। दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और SO2 में कार्बन होता है प्लस, ये SO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है SO3 में। कार्बन को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, कोई कार्बन ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है। बात क्लियर है? तो आज मैं सुनो, सवाल ये उठ रहा है कि मिल्की कलर किसका होता है और ये डिसअपीयर कैसे हो जाता है। सुनो बेटा, दिस इज द बेस, दिस इज द एसिड, एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट। ये मिल्की कलर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, विच इज वाटर इनसॉल्युबल। चूंकि ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये तली में जाकर प्रिसिपिटेट हो जाता है, दूधिया रंग का दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तो ये इस कार्बोनेट को बदल देता है बच्चों बाई कार्बोनेट में, एंड बाई कार्बोनेट आर हाईली वाटर सॉल्युबल। ये पानी में डिजोल्व हो जाता है और दूधिया रंग जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। बाद में सबको समझ में आ गई? क्लियर? तो दूधिया रंग किसका मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये डिसअपीयर क्यों हो जाता है? बाई कार्बोनेट के कारण। जब तक तुम प्रिसिपिटेट हो तुम दूधिया रंग के दिखाई पड़ोगे, अगर तुम पानी में डिजोल्व हो गए तो दूधिया रंग क्या हो गया? डिसअपीयर हो गया। ओके, तो हो जाए मेरे क्वेश्चन का उत्तर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फटाफट बोलना, अगर कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक है तो कार्बन उसमें होगा 100%, 99%। अगर हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हाइड्रोजन होगा, 99% होगा ही होगा। इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन का पता लगाने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी आपसे कोई जबरदस्ती करे तो आप इस तरीके से बता सकते हो। मेरे बच्चे बोलेंगे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को ड्राई कॉपर ऑक्साइड में गर्म किया, कार्बन किस रूप में बाहर आया?
हाइड्रोजन, अगर इस मिक्सचर को एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से पास करने पर आपको ब्लू कलर मिला तो वाटर उपस्थित है, और अगर वाटर उपस्थित है तो हाइड्रोजन भी उपस्थित है। बेटा अगर इस गैसियस मिक्सचर को लाइम वाटर में पास करने पर तुम्हें दूधिया रंग की नौटंकी दिखाई पड़ने लगे कि पहले दूधिया रंग बने फिर दूधिया रंग डिसअपीयर हो जाए, तो ये नौटंकी कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर, और सल्फर डाइऑक्साइड को तुमने पहले ही हटा दिया है विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम नाइट्रो। अगर अभी भी ये नौटंकी चल रही है मतलब कौन सी गैस, मतलब क्या उपस्थित है? बच्चों ये दूधिया रंग किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ये वाटर में, मेरे भाई कैल्शियम कार्बोनेट मतलब मार्बल, मार्बल मतलब पत्थर, पत्थर मतलब ये टाइल्स। क्या ये पानी में डिजॉल्व होते हैं? अगर टाइल्स पानी में डिजॉल्व होने लगे तो हम लोग अपने घरों में पोंछा लगाना बंद कर दें। कायल पोंछा लगाते लगाते घुल गया, हफ्ते भर बाद देखा टाइल गायब। कैसा होता है? अगर ये मार्बल पानी में डिजॉल्व होने लगे तो क्या ताजमहल खड़ा रहेगा? ताजमहल भी तो किसका बना है? कैल्शियम का। मार्बल पानी बरस रहा है, ये देखो साजा बह रहे हैं, मुमताज इधर जा रही, समझ में आ रहा है? कैसा होता है? बिकॉज सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट वाटर में इनसॉल्विल होते हैं, ये तली में जाकर बैठ जाते हैं। कैसा दिखाई पड़ेगा कलर? दूधी। क्लियर? बाइकार्बोनेट हाईली सॉल्विल होते हैं, पानी में डिजॉल्व हो गए, दूधिया रंग डिसअपीयर। खत्म करें बात, खत्म करें नेक्स्ट। तो किसका एस्टीमेशन हो गया? कार्बन और अब हम लोग डिटेक्शन करेंगे। बस सामने देखो बेटा, समझाने वाली बात मैं समझा दे रहा हूं, तो इससे हम लोग पढ़ लेंगे। कुछ लिखना तो नहीं था बेटा इसमें? कुछ लिखना था क्या बताओ बेटा? कुछ लिखना था क्या? कुछ भी लिखने की जरूरत इसमें बच्चों नहीं, ठीक है? अब हम लोग करेंगे डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजन विद द हेल्प ऑफ लेसेगनी टेस्ट। बच्चों बोलो कौन सा? पहला क्वेश्चन तुम्हारे नीट का सुन लो, लेसेगनी टेस्ट से किसको आइडेंटिफाई करते हैं? नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन। ठीक, सुनना कैसे करते, सुनना। हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसको फ्यूज कराते हैं सोडियम से। बोलो किससे? सुनना, सोडियम से फ्यूज कराने पर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर जो भी नाइट्रोजन होगा वो साइनाइड के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, जो भी सल्फर होगा वो सल्फाइड के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, और जो भी हैलोजन होगा वो हैलाइड के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। दो तीन सवाल उठने वाले हैं, वन बाय वन सारे सवालों को सुनिए। पहला क्वेश्चन तुम्हारे मेडिकल में आता है कि लेसेगनी टेस्ट में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ फ्यूज क्यों करते हैं? उत्तर, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन, सो दे आर 100% कोवेलेंट। यहां पर जो नाइट्रोजन होगा वो भी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा, सल्फर भी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा, और हैलोजन भी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा। बच्चों आपको मालूम है प्रिसिपिटेट कोवेलेंट कंपाउंड नहीं देते हैं, आयनिक कंपाउंड देते हैं। क्या देते हैं? अब तुम लोग सोच रहे होगे, गुरुजी आप प्रिसिपिटेट में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? उत्तर सुनिए, हमारा ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ना बच्चों, ये पूरा एनालिसिस डिपेंड करता है प्रिसिपिटेट के कलर पर। बोलो किस पर? हम लोग प्रिसिपिटेट के कलर को देखकर पता लगाते हैं ये फलाना होगा ये ढिमाका होगा।
तो जब तक प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा तब तक हमको कलर दिखाई नहीं पड़ेगा। आप ही देख लो, दूधिया रंग कब मिला था, जब प्रिसिपिटेट हुआ या पानी में डिजोल्व हुआ? हमें कलर दिखाई तभी पड़ता है जब कोई मॉलिक्यूल प्रिसिपिटेट होता है, और प्रिसिपिटेट यूजली बनाते हैं आयनिक कंपाउंड, और ये साला क्या है, कोवेलेंट। तो नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन जो इसके अंदर कोवेलेंट फॉर्म में है, उनको आयनिक फॉर्म में बदलने के लिए हम सोडियम से क्या कराते हैं, फ्यूज कराते हैं। ये देखो आयनिक फॉर्म में नाइट्रोजन, ये देखो आयनिक फॉर्म में हैलोजन, और ये देखो आयनिक फॉर्म में सल्फर। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, लेसेगनी टेस्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सर्वप्रथम सोडियम से रिएक्ट क्यों करवाते हैं? ताकि नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन कोवेलेंट से आयनिक फॉर्म में तब्दील, क्योंकि प्रिसिपिटेट कौन बनाता है और कलर किसका देखते हैं, प्रिसिपिटेट का। क्लियर? इसे बच्चों हम लोग कहते हैं लेसेगनी एक्सट्रैक्ट, लेसेगनी एक्सट्रैक्ट या सोडा एक्सट्रैक्ट। इसे बच्चों हम लोग कहते हैं लेसेगनी एक्सट्रैक्ट या सोडा एक्सट्रैक्ट, और ये कैसा होता है, आयनिक होता है। इस लेसेगनी एक्सट्रैक्ट को एक बोतल में भरकर हम लोग रख लेते हैं, और इस बोतल से थोड़ा थोड़ा लेसेगनी एक्सट्रैक्ट निकालते रहेंगे, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन का डिटेक्शन करते रहेंगे। क्लियर हो गया बात? अच्छा एक बात बच्चों और सुनना, पहला क्वेश्चन ये उठा सोडियम से फ्यूज क्यों करते हैं, इनको आयनिक कंपाउंड में बदलने के लिए। दूसरा क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट ग्रुप में सोडियम के अलावा और भी तो बहुत सारी मेटल है, आप उनका इस्तेमाल कर लीजिए। सुनिए, लिथियम, सोडियम हो गया, पोटेशियम, रुबनेडियम और सीज़। देखो लिथियम का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि लिथियम के बहुत सारे कंपाउंड क्या होते हैं, और इनका इस्तेमाल इसलिए नहीं करते, दे आर हाईली रिएक्टिव, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि विस्फोट हो सकता है, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं करते। तो मेनली हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बात क्लियर है? कुछ लिखा हुआ है आपको, अगर लिखने की इच्छा है चार्ज दिखा सकते हो, बस बाकी सब कुछ लिखा है। एक पॉइंट और लिखा है इसमें, इफ सोडियम इज लिमिटेड देन सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम साइनेट। हाँ सुनो बच्चों, अगर इस सोडियम की मात्रा लिमिटेड हो, क्या हो, सुनना, तो सल्फर और नाइट्रोजन अलग अलग ना जाकर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं सोडियम थायोसाइनेट। आप खुद देखिए, जब ये दोनों अलग अलग जा रहे हैं तो तीन सोडियम का यूज हो रहा है, और जब ये दोनों एक साथ आ गए हैं तो एक ही सोडियम का यूज हुआ। तो अगर सोडियम एक्सेस में तो सल्फर और नाइट्रोजन अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन अगर ये लिमिटेड है तो दोनों एक साथ रहते हैं। इसलिए बच्चों हमेशा ध्यान रखना, लेसेगनी एक्सट्रैक्ट में चार चीजें होने की पॉसिबिलिटी होती है, सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम हैलाइड और सोडियम थायोसाइनेट। ये होगा तो ये दोनों नहीं होंगे, और ये दोनों होंगे तो ये नहीं होगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे,
इस लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट की हेल्प से वन बाई वन तीनों एलिमेंट का पता लगाएंगे। सबसे पहले हम पता लगाने जा रहे हैं नाइट्रोजन का। बेटा बोलो किसका? नाइट्रोजन। सुनते रहना सब लोग, लिखने पे जोर मत दीजिए, 99% लिखा हुआ है, याद करने पर जोर दीजिए। सुना, हम बाजार गए, बाजार से एक टेस्ट ट्यूब लेकर आए, नई नवेली टेस्ट ट्यूब बिल्कुल चमचमाती हुई। इस टेस्ट ट्यूब में उस बोतल से थोड़ा सा लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट निकाला, बोतल को वापस से रख दिया। हमारी इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है। इस लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट में क्या क्या हो सकता है? सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम हैलाइड या फिर सोडियम थायोसाइनाइड। मैं इस लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट से चेक करने जा रहा हूं नाइट्रोजन उपस्थित है या नहीं। सुनना, मैंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में ऊपर से डाला FeSO4। बोलो क्या डाला इसमें? क्या डाला? अगर FeSO4 डालने पर हमें इस टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर दिखाई पड़े, कौन सा? ब्लू आईज हिप्नोटाइज करती मैंने वो। अगर मुझे उसमें ब्लू कलर दिखाई पड़े तो समझ जाना हुजूर इसमें साइनाइड उपस्थित। और अगर इसमें साइनाइड उपस्थित है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन उपस्थित होगा। क्लियर? तो इफ ब्लू कलर इंप्लाइज नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ब्लू कलर होता है प्रूसियन ब्लू। किसका होता है? और मेरे स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ चुके हैं 3+2P। याद है कि नहीं? नहीं याद तो घर पे बैठो। इट इज फेरी फेरोसाइड। क्या फार्मूला मुझे बनाकर दिखाना पड़ेगा? क्या बना लोगे? और बनाओ, बाहर वाला क्या है? फेरी। अंदर वाला आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर -4 आया। अबे इन दोनों को जोड़ोगे -4 आएगा। इनको क्रिस क्रॉस करो, Fe4 FeCN6 का। किसी बच्चे को प्रॉब्लम? लो भैया नाइट्रोजन की टेस्टिंग हो गई। ठीक, चलो पढ़ लो। हमने FeSO4 डाला, हमें ब्लू कलर मिला, इसका मतलब नाइट्रोजन उपस्थित है। 3-4 पॉइंट लिखे पढ़ते हैं। कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन बट नॉट कार्बन डज नॉट रिस्पॉन्ड लेसेग्ने टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। मेरी बात सुनो, पहली बात, अगर किसी के अंदर कार्बन नहीं है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। आप सुन रहे ना, ये पॉइंट हमसे कह रहा है अगर किसी मॉलिक्यूल के पास नाइट्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है तो वो लेसेग्ने टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन सो नहीं करेगा। बिल्कुल सही। अबे जब कार्बन है नहीं होगा उसके अंदर तो सोडियम से फ्यूज कराने पर क्या साइनाइड बनेगा? और जब तक साइनाइड नहीं बनेगा, जब तक साइनाइड नहीं बनेगा तब तक प्रशन ब्लू कलर भी। तो ध्यान रखना, लेसेग्ने टेस्ट फॉर नाइट्रोजन वही मॉलिक्यूल शो कर सकते हैं जिनके पास नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन भी होना चाहिए। क्योंकि जब कार्बन होगा तभी साइनाइड बनेगा और जब साइनाइड बनेगा तभी प्रशन ब्लू कलर भी आएगा। ठीक, तो देख के बताओ क्या पहला वाला मॉलिक्यूल लेसेग्ने टेस्ट फॉर नाइट्रोजन शो करेगा? क्यों? सोडियम से फ्यूज कराओगे क्या साइनाइड बनेगा?
जब साइनाइड नहीं बनेगा तो प्रुसन ब्लू कलर आएगा, तो ये लेसेग्ने टेस्ट फॉर नाइट्रोजन शो नहीं करेगा। क्या ये शो करेगा? क्यों नहीं करेगा? इसमें भी कार्बन नहीं है। क्या फिनाइल हाइड्राजीन शो करेगा? भैया दौड़ के शो करेगा, क्योंकि इसके पास कार्बन उपस्थित, ये सब क्या है? कार्बन ही तो है। जब तुम इसको सोडियम के साथ फ्यूज करोगे तो नाइट्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर साइनाइड के फॉर्म में बाहर आएंगे, जो FeSO4 डालने पर प्रुसन ब्लू कलर शो करेगा। तो तीसरे वाले के नीचे क्या लगा दो? टिक लगा दो। कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। हमें देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेसेग्ने टेस्ट फॉर नाइट्रोजन शो करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप कहोगे करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन भी है और कार्बन भी है। तो नाइट्रोजन और कार्बन दोनों होने के कारण ये साइनाइड में बदलेगा, और साइनाइड में अगर बदलेगा तो ये प्रुसन ब्लू कलर शो करेगा। मतलब आपके अकॉर्डिंग BDC लेसेग्ने टेस्ट शो करेगा, लेकिन बच्चों नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये BDC? क्योंकि BDC को जब सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो ये जो नाइट्रोजन होता है ये गैस के रूप में निकल जाता है। किसके रूप में? हमें क्या चाहिए था? साइनाइड। जब साइनाइड बनेगा ही नहीं तो लेसेग्ने टेस्ट शो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई सबको? तो BDC भी लेसेग्ने टेस्ट फॉर नाइट्रोजन शो नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट, सम टाइम ऑन एडिंग FeSO4 ब्लड रेड कलर इज ऑप्टेन इंप्लाइज नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट। समझ गए होंगे? अगर खून जैसा लाल रंग आ जाए, ब्लू कलर आया जो हिप्नोटाइज कर रहा है हनी सिंह, तो नाइट्रोजन उपस्थित है। लेकिन FeSO4 डालने पर खून जैसा लाल रंग आ गया तो नाइट्रोजन भी उपस्थित है और सल्फर भी उपस्थित। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया? सुनो, होता क्या है, लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट में FeSO4 डालने पर ब्लड रेड कलर आ सकता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक थायोसाइनेट। क्रिस क्रॉस करो बे, इसका बच्चों कलर होता है ब्लड रेड कलर। और तुम लोग को तो मालूम ही है कि लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट में अगर साइनाइड और सल्फाइड नहीं है तो इसके स्थान पर क्या होगा? थायोसाइनेट। समझ गए? ये थायोसाइनेट इसके साथ मिलकर ब्लड रेड कलर बनाता है, फेरिक थायोसाइनेट। बच्चों भयानक इंपॉर्टेंट, भयानक इंपॉर्टेंट, फेरिक थायोसाइनेट। अब मेरे बच्चों के मन में एक सवाल उठ रहा है, गुरुजी हमने डाला तो था FeSO4, बोले तो फेरस सल्फेट, माना इसके पास थायोसाइनेट है, तो ये फेरिक कहां से आ गया? क्योंकि ब्लड रेड कलर फेरस थायोसाइनेट का नहीं होता, फेरिक थायोसाइनेट का होता है। एक्चुअली बच्चों FeSO4 की प्रॉपर्टी होती है, इट अंडरगोस ऑटो ऑक्सीडेशन। इसका बच्चों अपने आप ऑक्सीडेशन हो जाता है फेरिक सल्फेट, और ये फेरिक इस आयन के साथ मिलकर ब्लड रेड कलर शो करता है। ओके, तो ये लिख लीजिएगा, FeSO4 ऑटो ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक सल्फेट। ओके,
तो नाइट्रोजन के लिए हम लोगों ने पढ़ा, ब्लू कलर आया तो नाइट्रोजन उपस्थित है, खून जैसा लाल रंग आया तो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित। जिन कंपाउंड के पास कार्बन नहीं होता वो लेसेग्ने टेस्ट फॉर नाइट्रोजन शो नहीं करते। इज इट क्लियर? बोलो बेटा। अगला पॉइंट, सोडा लाइम टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। सुनो बच्चों, एक बात मेरी सुन लो, लेसेग्ने टेस्ट में जो कुछ भी होता है इससे होता है, बोले तो लेसेग्ने एक्सट्रा। अगर किसी टेस्ट में डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल किया जा रहा है तो समझ जाना वो लेसेग्ने टेस्ट नहीं, क्योंकि लेसेग्ने टेस्ट का मतलब ही होता है लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट का यूज होना चाहिए। तो जल्दी बताना, तो लास्ट पॉइंट आप पढ़ रहे हो, सोडा लाइम टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, क्या ये लेसेग्ने? ये एक अलग टेस्ट है नाइट्रोजन को पता लगाने का। इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। इफ अमोनिया लाइक स्मेल तो समझ जाना नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। पूरी क्लास बताए, क्या सोडा लाइम टेस्ट इज द पार्ट ऑफ लेसेग्ने टेस्ट? नहीं, ये अलग टेस्ट है नाइट्रोजन को पता लगाने का। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को सीधे सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते हैं, अगर अमोनिया जैसी स्मेल आई तो नाइट्रोजन उपस्थित है। ओके, तो नाइट्रोजन का टेस्ट बच्चों हो गया। अब हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं सल्फर का। ये देखिए, कुछ नहीं, बाजार जाएंगे और बाजार से एक नई टेस्ट ट्यूब लेकर आए। बेटा मैं हर बार बाजार जाऊंगा और एक टेस्ट ट्यूब लेकर आऊ, तुम लोग पहले बार ही जाकर तीन टेस्ट ट्यूब ले आना, ठीक? हम हर बार जाते हैं। तो कहां गए? बाजार। क्या लेके आए? टेस्ट ट्यूब। अच्छा, अब उस बोतल में जिसमें लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट आपने भरा था उससे थोड़ा सा लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट निकाला, बोतल वापस रख दी। अब हमें पता किसका लगाना है? सल्फर का। इस लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट में हम ऊपर से डालेंगे सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड। क्या डालेंगे? हम करने जा रहे हैं सल्फर का डिटेक्शन लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट में। वैसे बोलना तो पूरी क्लास को चाहिए था लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड, याद आया? Na2FeCN का होल 5 है। अगर बच्चों वायलेट कलर दिखाई पड़े, कौन सा कलर बच्चों? कौन सा कलर? तो समझ जाना सल्फर इज प्रेजेंट। ये रिएक्शन में आप लोगों को कोऑर्डिनेशन में पढ़ा चुका हूं, याद है? अगर यहां पर सोडियम सल्फाइड हुआ तो वो सल्फाइड इसके अंदर घुस जाएगा और हमें मिलेगा सोडियम थायो नाइट्रो प्रूसाइड। का वायलेट कलर और यहां पर भी आयरन का स्टेट क्या होता है? प्लस। तो अगर वायलेट कलर हमें मिल रहा है तो समझ जाना कि यहां पर सल्फाइड उपस्थित है। अगर यहां पर सल्फाइड उपस्थित है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर उपस्थित है। कोई डाउट बच्चों? सुनते रहना। लेसेग्ने टेस्ट के द्वारा सल्फर को पता करने का एक तरीका तो ये, एक तरीका और भी है। क्या? आप बाजार जाएंगे, फिर से एक नई टेस्ट ट्यूब लेकर आएंगे, उसी बोतल से थोड़ा सा लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट निकालना है।
बोतल को रख दिया, ढक्कन भी लगा देना, मान लो गिर गई तो फैल जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इस लेसेगने एक्सट्रैक्ट से नाइट्रोजन का पता लगाना, तो FeSO4 डाला, ब्लू आइस आ गई, नाइट्रोजन उपस्थित। सल्फर का पता लगाना, पहला तरीका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालो, वॉयलेट कलर आया, सल्फर उपस्थित है। सल्फर को पता करने का दूसरा तरीका, इस लेसेगने एक्सट्रैक्ट में आप डालो लेड एसीटेट। बच्चों बोलो क्या? अगर तुमको ब्लैक प्रिसिपिटेट मिले, बोलो क्या, तो समझ जाना सल्फर इज प्रेजेंट। बच्चों ये ब्लैक प्रिसिपिटेट होता है लेड सल्फाइड का, बोलो किसका? तो लेसेगने के द्वारा सल्फर को पता करने के दो टेस्ट है, पहला टेस्ट है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से और दूसरा टेस्ट है लेड एसीटेट। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग बच्चों तीसरा टेस्ट करने जा रहे हैं फॉर हैलोजन, सुनते रहना। फॉर हैलोजन बताओ, सबसे पहले हम कहां जाएंगे बताओ? सबसे पहले हम बाजार में जाएंगे, काय के लिए? एक टेस्ट ट्यूब लाएंगे, फिर एक टेस्ट ट्यूब लेके आए, दुकानदार भी साला परेशान, मनी मन कर आ रहा, जब भी आता है 2 रुपए की टेस्ट ट्यूब लेने आ जाता है। तो बाजार से टेस्ट ट्यूब लेकर आए, ये क्या उठाया हमने? ये वही बोतल है जिसमें लेसेगने एक्सट्रैक्ट भरा हुआ है, ये क्या कर रहे हैं? लेसेगने एक्सट्रैक्ट थोड़ा सा इसमें डाल रहे हैं, बोतल को वापस से रख दिया। अच्छा, ढक्कन ढक्कन लगा दो, ढक्कन लगा। अच्छा सुनो मेरे, अब ये जो लेसेगने एक्सट्रैक्ट आ गया मेरे भाई, हम लोग रिवाइज करेंगे। नाइट्रोजन की टेस्टिंग करनी होती तो FeSO4 डाल दे, सल्फर की करनी होती सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालते या लेड एसीटेट। हमें करनी किसकी है? हम इसमें डालेंगे डाइल्यूट HNO3 विद AgNO। अब मेरी बात सुन, देखो होता क्या है, आपकी CBSE का बड़ा चाहता क्वेश्चन है, हैलोजन का जब लेसेगने टेस्ट करते हैं तो डाइल्यूट HNO3 को क्यों डालते हैं? सुनना भाई, लेसेगने के अंदर तो सोडियम साइनाइड भी होगा, सोडियम सल्फाइड भी होगा और सोडियम हैलाइड भी होगा। हमें मतलब किससे है? इस होता क्या है बच्चों, सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड हैलोजन की टेस्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? तो इन दोनों को सर्वप्रथम हटाने के लिए हम डाइल्यूट HNO3 को डालते हैं। ये डाइल्यूट HNO3 क्या करता है? NaCN को HCN में बदल देता है और Na2S को H2S में बदल देता है। ये दोनों वोलेटाइल होते हैं, बर्तन को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। हाँ ना, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन होगा तो यहां पर सोडियम हैलाइड होगा। क्लियर हो गया? इन दोनों को इसने क्या कर दिया? तो नीट में सवाल आएगा, आएगा क्या भी, आ चुका है। डाइल्यूट HNO3 का यूज बताइए, सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड को खत्म करने के लिए हम डाइल्यूट HNO3 को डालते हैं। अब डालेंगे AgNO3, तो ये AgNO3 क्या करेगा? इस NaX के साथ कंबाइन करके AgX का प्रिसिपिटेट बनाए। इस प्रिसिपिटेट के कलर को देखकर हम पता लगाते हैं कौन सा हैलोजन उपस्थित है। जैसे वाइट प्रिसिपिटेट,
तो वाइट प्रिसिपिटेट होता है AgCl, मतलब ये AgCl है तो यहां पर होगा NaCl, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा क्लोरीन, राइट। अगर ये प्रिसिपिटेट पेल येलो, लाइट येलो इंप्लाइज AgBr, तो यहां पर होगा NaBr, तो ऑर्गेनिक में होगा ब्रोमीन। और अगर बच्चों इसका कलर आया डार्क येलो इंप्लाइज सिल्वर आयोडाइड, तो यहां पर होगा सोडियम आयोडाइड, तो ऑर्गेनिक में होगा आयो। दिस इज लेसेग्नी टेस्ट फॉर हेलोज। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? क्लियर हो गया? सुनते रहना, कॉपी मत देखो, अभी अभी सामने देखो। देखिए लेसेग्नी टेस्ट से जब हम हेलोजन को पता लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इन दोनों। एक का कलर है लाइट येलो, एक का कलर है डार्क येलो, है तो दोनों ही येलो, तो येलो येलो में कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये येलो कलर ब्रोमीन के कारण है या आयोडीन के कारण। इसलिए जब लेसेग्नी टेस्ट से हमें येलो कलर मिलता है तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि ये AgBr होगा या ये AgI होगा। हम लोग अपने इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेयर टेस्ट फॉर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। पहले ये बताओ तुम्हें ये समझ में आया ये क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? पीला रंग देखकर ये तो समझ में आ रहा है या तो AgBr होगा या फिर AgI होगा। कंफ्यूजन है, क्या होगा? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लेसेग्नी टेस्ट फॉर हेलोजन में फिर से करते हैं लेयर टेस्ट। क्या करते हैं? किसके लिए होगा? ब्रोमाइड है या आयोडाइड। इसमें क्या होता है समझना जरा, ये कंटेनर है, समझ। हमने इसमें लेसेग्नी एक्सट्रैक्ट को लिया, ऑफ कोर्स ये आयनिक कंपाउंड है NaX, आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्विल होते हैं, ये अक्वस सॉल्यूशन लिया है। ये हमने क्या लिया है? अक्वस सॉल्यूशन। ठीक, सुन ले बेटा, इस लेसेग्नी एक्सट्रैक्ट में हम डालते हैं क्लोरीन वाटर। बच्चों बोलो क्या? क्लोरीन वाटर इज ए ऑक्सीडाइजिंग। अगर यहां पे सोडियम ब्रोमाइड हुआ तो ये ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा ब्रोमीन में, और अगर यहां पे सोडियम आयोडाइड हुआ तो ये आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन। ब्रोमीन इज ब्राउन कलर, आयोडीन इज वायलेट कलर। सुन रहे ना बच्चों, ये दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ये वाटर में लेस सॉल्विल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्विल होंगे। हम इसमें ऊपर से डालते हैं CCl4। क्या डालते? CCl4 इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये पानी में मिसविल नहीं होगा। इसको तेजी से सेक करते हैं, सेक करने से क्या होता है, कुछ पलों के लिए ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, छोड़ दिया वापस से अलग अलग हो गए। तो इसमें फायदा ये मिलता है कि ये जो ब्रोमीन होता है और ये जो आयोडीन होता है ये अक्वस लेयर को छोड़कर CCl4 लेयर में चले जाते हैं, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होगी CCl4 में ज्यादा। और इस CCl4 की लेयर को देखकर हम पता लगाते हैं कि ब्रोमीन होगा या आयोडीन।
अगर ये लेयर ब्राउन कलर की दिखाई पड़ने लगे तो मतलब ब्रोमीन है, और अगर ये वॉलेट कलर की दिखाई पड़ने लगे तो मतलब आयो। इसे कहते हैं लेयर टेस्ट फॉर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ओके, तो ध्यान रखो बच्चों, इफ सीसीएल फोर लेयर बीकम ब्राउन इंप्लाइज ब्रोमाइड इज प्रेजेंट, एंड इफ CCl4 layer become violet implies iodide is present। सबको समझ में आया? कैसे करें समझ सबको आया? तो जस्ट लिसन टू मी, फिर लिख लेना। मुझे इतना बताओ कि लेयर टेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? कोई सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड दोनों का रंग कैसा है? येलो। हम कंफ्यूज हैं ये सिल्वर ब्रोमाइड है या सिल्वर आयोडाइड, तो हमें फर्दर परफॉर्म करना पड़ा लेयर टेस्ट। लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट में हम क्लोरीन वाटर डालेंगे, ब्रोमीन या आयोडीन बनेगा। अगर सीसीएल फोर की लेयर ब्राउन हो जाए तो ब्रोमीन उपस्थित है, वायलेट हो जाए तो आयोडीन उपस्थित है। क्लियर? जो लिखना हो आप लिख, लेयर टेस्ट में ही बच्चों लिखना है, ऊपर कुछ नहीं लिखना, सब लिखा हुआ है। ऐसे बनाइएगा बीकर, ऐसे बना लीजिएगा। बना लिया था तो क्या नहीं बना पाओगे क्या? अपने मन से बनाइए, मैं नहीं बताऊंगा। इतना इतनी जो दो कौड़ी चीज अगर भूल जाओगे तो हो चुका। फिर अपने आप बनाइए। नीचे एक्वस लेयर थी, उसमें आपने डाला था क्लोरीन वाटर, सोचिए अपने आप। साइड में लिख लीजिए, इफ सीसीएल फोर लेयर बीकम ब्राउन इंप्लाइज ब्रोमाइड इज प्रेजेंट, इफ सीसीएल फोर लेयर बीकम वायलेट इंप्लाइज आयोडाइड इज प्रेजेंट। नेक्स्ट बच्चों, लेयर टेस्ट के ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ है, फ्लोराइड नॉट रिस्पॉन्ड लेसेग्ने टेस्ट, लिखा है बिकॉज सिल्वर फ्लोराइड इज आयनिक, हेंस वॉटर सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा, लेसेग्ने टेस्ट सारे हेलोजन देंगे लेकिन फ्लोराइड सो नहीं करेगा, क्योंकि सिल्वर फ्लोराइड होता है वॉटर सॉल्वेंट, और हमें क्या देखना होता है? प्रिसिपिटेट का कलर। सिल्वर फ्लोराइड जब वाटर में सॉल्विल होगा तो हमें उसका कलर दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए फ्लोराइड जो होता है वो लेसेग्ने टेस्ट सो नहीं करता। आगे बढ़ेंगे, लेयर टेस्ट की नीचे लिखा हुआ है बीलस्टीन टेस्ट या कॉपर वायर टेस्ट। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, क्या बीलस्टीन टेस्ट लेसेग्ने का पार्ट है? कैसे बचाना? इसमें देखिए आप डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज कर रहे हैं, ये लेसेग्ने का पार्ट नहीं है। बीलस्टीन टेस्ट एक अलग टेस्ट है हेलोजन को पता लगाने का। बेटा ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे नाइट्रोजन को पता लगाने का एक अलग टेस्ट होता है सोडा लाइम टेस्ट। सुनो बच्चों, हम लोग बीलस्टीन टेस्ट में क्या करते हैं, हमारे पास एक कॉपर का तार होता है, वायर होता है जो आगे से चपटा हुआ होता है, चपटा,
उस पर हम लोग उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखते हैं और इसको फ्लेम के ऊपर ले जाते हैं। किसके ऊपर? फ्लेम इससे टकराती है। अब सुनना, जब फ्लेम इससे टकराती है, टकराने के बाद किनारे से जो फ्लेम निकल रही है अगर वो हरे रंग की दिखाई पड़ने लगे, बोलो कैसी, तो समझ जाना हैलोजन मे बी प्रेजेंट। मैं शब्दों पर गौर करिए, हैलोजन मे बी यस। ये जो बील स्टीन टेस्ट होता है ये 100% रिलायबल टेस्ट नहीं होता। हरा रंग आने पर हैलोजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये हरा रंग होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वोलेटाइल कॉपर हैलाइड। और आपको जान के खुशी होगी, कॉपर के दूसरे कंपाउंड भी हरे रंग के होते हैं, इसलिए हरा रंग देखकर आप सियोरिटी से ये नहीं कह सकते कि हैलोजन उपस्थित है। हैलोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ओके? क्योंकि कॉपर हैलाइड के साथ साथ कॉपर के दूसरे कंपाउंड का कलर भी ग्रीन होता है, ओके? तो देख लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉपर वायर फ्लेम, इफ ग्रीन इज फ्लेम इंप्लाइज हैलोजन मे बी प्रेजेंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वोलेटाइल कॉपर हैलाइड। दिस टेस्ट इज नॉट 100% रिलायबल। आगे लिखिए इसी के, बिकॉज अदर कॉपर कंपाउंड आर आल्सो ग्रीन। समझ में आया कि नहीं आया? कॉपर के दूसरे कंपाउंडों का कलर भी हरा होता है, इसलिए ये टेस्ट 100% रिलायबल नहीं है। फ्लोरीन आल्सो नॉट सो दिस टेस्ट बिकॉज अगेन कॉपर फ्लोराइड इज आयनिक एंड आयनिक कंपाउंड आर नॉन वोलेटाइल। ओके, ठीक है बेटा, बताओ। आइए, अगले पेज पर एक नोट लिखा हुआ है, क्या ये नोट तुम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं पढ़ चुके? बताओ। आइए, ऑनलाइन वाले बच्चों को रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं बताया था तो यहां पर बता दे रहे हैं। देखिए, मैंने अभी अभी पढ़ाते समय बच्चों बोला कि प्रिसिपिटेट आयनिक कंपाउंड देते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं देते। अगर क्लोरीन आयनिक फॉर्म में उपस्थित है तो वो AgCl का प्रिसिपिटेट बनाएगा, लेकिन अगर कोवेलेंट फॉर्म में उपस्थित है तो प्रिसिपिटेट नहीं बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम कहना क्या चाहते हैं, आयनिक हैलाइड अगर तुम AgNO3 डालोगे तो तुम्हें AgX का प्रिसिपिटेट मिलेगा। यही तो कारण था कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को सर्वप्रथम सोडियम से ट्रीट करके उसे लेसेग्ने में बदल रहे थे। याद आ गया? जैसे मान लो NaCl ले लो, आयनिक है, प्रिसिपिटेट देगा RnS3+, Cl- ले लो, आयनिक है, प्रिसिपिटेट देगा। लेकिन बच्चों, अगर ये कोवेलेंट हैलाइड हो, अभी अभी इतनी देर से यही तो पढ़ा रहा हूं कि कोवेलेंट हैलाइड AgNO3 के साथ प्रिसिपिटेट नहीं देते, यही तो पढ़ाया। अब सुनना, रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने आपको सिखाया था, बट बोलो, याद है कुछ? हाँ बोलो। बट आफ्टर रिमूविंग Cl- इफ फॉर्म्ड कार्बोकैटायन गेट, बोलो, वेरी गुड, रेजोनेंस
स्टेबलाइजेशन देन इट आल्सो फॉर्म प्रेसिपिटेट. कुछ याद आया? वैसे तो कोवेलेंट हैलाइड प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, परंतु सीएल माइनस को हटाने के बाद जो कार्बोकेटायन बना, अगर वो रिजोनेंस स्टेबलाइज है तो ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड प्रेसिपिटेट बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपकी कॉपी में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बताइए कौन प्रेसिपिटेट बनाएगा और कौन प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा. यार याद आया कि नहीं आया तुम लोग को? ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं रिएक्शन मैकेनिज्म में. चलो आ जाओ फटाफट, आ जाओ. सारे के सारे कोवेलेंट हैलाइड है, कार्बन से जुड़े हुए. सीएल माइनस को हटाओ, प्लस लगाओ. क्या रेजोनेंस होगा? क्या प्रेसिपिटेट देगा? हटाओ, क्या रेजोनेंस हुआ? क्या एजी एन ओथी से रिएक्शन करेगा? क्या वाइट प्रेसिपिटेट देगा? देगा? बताओ बच्चों, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? नहीं होगा. क्या ये वाइट प्रेसिपिटेट देगा? नहीं देगा. क्या रेजोनेंस है? नहीं. क्या रेजोनेंस है? और यहां पर भी. तो इस प्रकार से देखिए, ये कंपाउंड जो है प्रेसिपिटेट दे भी सकते हैं अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और नहीं भी दे सकते हैं. ये मैंने कहां पढ़ाया था? रिएक्शन मैकेनिज्म. अच्छा, आपको ये भी याद होगा अच्छे से, मैकेनिज्म में मैंने इसके दो एक्सेप्शन बताए थे. कौन बताएगा? काय हाथ खड़ा कर रहा हूं. लिखा है आयरोफॉर्म और पिक्रिल हैलाइड. याद आया? आयरोफॉर्म एंड पिक्रिल हैलाइड, ये दो ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें हैलाइड हटाने के बाद कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, फिर भी ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं. कुछ याद आया? बच्चों ध्यान रखना, यहां पर सिर्फ क्या पॉसिबल है? आयरोफॉर्म, ना क्लोरोफॉर्म ना ब्रोमोफॉर्म. और यहां पर कुछ भी ले सकते हो, सीएल बीआर आई. फ्लोरीन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिल्वर फ्लोराइड क्या होता है? आयनिक होता है, वो वाटर में सॉल्युबल होता है. तो उसकी बात तो करेंगे नहीं हम लोग क्लोराइड की बात करेंगे, ब्रोमाइड की बात करेंगे और आयोडाइड की बात करेंगे. तो दो कंपाउंड आपके सामने हैं जिसमें हैलोजन को हटाने के बाद कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, फिर भी ये दोनों कंपाउंड प्रेसिपिटेट बनाते हैं. ओके, अगर आपको समझ में आया है तो नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए. बोलो, कितने मोल AgCl मिलेगा? दो मोल की तीन मोल. कौन सा सीएल नहीं होगा? है जो नीचे की तरफ सीएल है, ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा. राइट वाला भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है और लेफ्ट वाला भी रेजोनेंस स्टेबलाइज. जस्ट लिसन टू मी प्लीज, देखिए. सब लोग आसान में देखेंगे.
ये है। अब देखना ये हटाया प्लस लगाया, रेजोनेंस है कि नहीं, तो ये प्रेसिपिटेशन में इन्वॉल्व होगा। ये हटाया प्लस लगाया, रेजोनेंस है कि नहीं है, ये वाला भी प्रेसिपिटेशन में इन्वॉल्व होगा। सीएल हटाया प्लस लगाया, क्या रेजोनेंस है, क्या ये इन्वॉल्व होगा? ओके, तो एक मोल इस कंपाउंड के पास कितने मोल क्लोरीन है जो प्रिसिपिटेशन में इन्वॉल्व होंगे? दो। इसलिए हमको यहां से जो AgCl मिलेगा वो दो मोल मिलेगा, ठीक है। फॉर बाकी आपको मैकेनिज्म में हमने पढ़ा ही रखा है, क्लियर हो गया सबको। लास्ट बच्चों डिटेक्शन है फास्फोरस का, क्या ये डिटेक्शन लेसेग्नी से करते हैं? नहीं, लेसेग्नी से सिर्फ किया था सल्फर का, नाइट्रोजन का है। फास्फोरस की डिटेक्शन में क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं और इसमें से ऊपर से बहुत माल पानी डालना है, ध्यान दो, अमोनियम मॉलिब्डेट NH4 का होल ट्वाइस MOO4, फ्यूजन मिक्सचर सोडियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम कार्बोनेट, ऑक्सोन Na2O2 को कहते हैं और कंसेंट्रेट HNO3। यहां पर दो बातें नई सीखने को मिली, फ्यूजन मिक्सचर सोडियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम कार्बोनेट, रटा होना चाहिए, सीधे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज फ्यूजन मिक्सचर Na2CO3 प्लस K2CO3। ऑक्सोन सोडियम परऑक्साइड को हम ऑक्सोन कहते हैं, बेटा बोलो किसको, सोडियम बोले तो Na+, परऑक्साइड बोले तो O2-2, क्रिस क्रॉस करो Na2O2, बात क्लियर हो गया। अच्छा, जहां पे Na2O2 लिखा है उसके बगल में ऐसे करके लिख दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फास्फोरस के डिटेक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? सोडियम परऑक्साइड, बोले तो ऑक्सेन, ऑक्सोन। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम इतना माल पानी डाल देते हैं, अगर आपको कैनेरी येलो कलर दिखाई पड़े तो समझ जाना फास्फोरस इज प्रेजेंट। बच्चों ये कैनेरी येलो कलर होता है अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट का, ये कैनेरी येलो कलर होता है अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट का। सुनिए इसका फॉर्मूला, देखो अमोनियम फॉस्फो का मतलब है अमोनियम फॉस्फेट, फार्मूला कोई भी बना लेगा अमोनियम फॉस्फेट का, बना लोगे कि नहीं बना लोगे? अमोनियम फॉस्फो का मतलब है अमोनियम फॉस्फेट, फार्मूला कोई भी बना लेगा, डॉट, चार तिहाई 12 MOO3, दिस इज अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट, कैनेरी येलो कलर। इस कलर का मतलब है कि फास्फोरस उपस्थित है। बच्चों कोई प्रॉब्लम किसी को? इस प्रकार से क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, खत्म। आपके पास समय है 3 मिनट दे रहे हैं, चल 5 मिनट दिए, एक एक अक्षर याद हो जाए, अगर कोई हिला डोला तो हो जाएगी पिटाई, 5 मिनट में पूरा याद हो जाना चाहिए। मैं खत्म कर दूंगा अभी क्वांटिटेटिव भी।
फटाफट तुरंत
परसेंटेज को, उसके बाद उनका। अच्छा एक बात बताओ ना, क्या अगर कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक है तो कार्बन 100% या 99%? हाइड्रोजन, इक्का दुक्का केसों में हाइड्रोजन नहीं भी होता है, बट कार्बन तो जरूर होगा। फिर भी कोई तुमसे जबरदस्ती करे तो पहला क्वेश्चन, जबरदस्ती करने नहीं दोगे, मना कर देना। दूसरा क्वेश्चन, हम लोग अगर कार्बन और हाइड्रोजन को पता लगाएं तो कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, आपके मेडिकल में सवाल पूछ सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के डिटेक्शन में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसके साथ गर्म करते हैं? ड्राई कॉपर ऑक्साइड। मैंने क्या बोला? अगर कार्बन हुआ तो CO2 की फॉर्म में बाहर आएगा, और हाइड्रोजन हुआ तो मेरे भाई एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डालने पर अगर नीला रंग आया तो वाटर उपस्थित है, और अगर वाटर उपस्थित है तो अगर लाइम वाटर में डालने पर नौटंकी हुई तो CO2 उपस्थित है, और अगर CO2 उपस्थित है तो मेरे भाई लाइम वाटर के साथ नौटंकी SO2 भी करता है, आया ना। कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करते हैं जो SO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है। मेरे भाई लेसेग्ने टेस्ट से किन एलिमेंट का पता लगाते हैं? नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन। लेसेग्ने टेस्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले सोडियम से फ्यूज क्यों करते हैं? ताकि इन तीनों एलिमेंट को कोवेलेंट फॉर्म से आयनिक फॉर्म में लाया जा सके। नाइट्रोजन किस रूप में? साइनाइड। सल्फर, हेलोजन। लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट में हमने FeSO4 डाला, अगर प्रुशियन ब्लू कलर आया तो नाइट्रोजन उपस्थित। सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड डाला, वायलेट कलर आया तो सल्फर उपस्थित। HNO3 और AgNO3 डाला, व्हाइट या येलो प्रेसिपिटेट आया तो हेलोजन उपस्थित है। कोई आपत्ति है क्या? एक बात बताओगे? कौन से नाइट्रोजनस कंपाउंड, लेसेग्ने टेस्ट फॉर नाइट्रोजन सो नहीं करते जिनके पास कार्बन ना हो? क्योंकि कार्बन नहीं होगा तो साइनाइड नहीं बनेगा, और साइनाइड नहीं बनेगा तो प्रुशियन ब्लू कलर भी, जैसे हाइड्राजीन नहीं देगा, हाइड्रोक्सिल एमीन भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो BDC है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसके पास तो कार्बन है, फिर ये क्यों नहीं देगा? क्योंकि सोडियम के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में अलग हो जाता है, तो यहां पर भी साइनाइड का फॉर्मेशन। अच्छा बेटो एक बात बताओ, जब हेलोजन का टेस्टिंग करते हैं तो HNO3 का काम क्या होता है? NaCN और Na2S को रिमूव करना। बच्चों किसको बोलो? क्या बीलस्टीन टेस्ट 100% रिलायबल टेस्ट है? क्योंकि हरा रंग कॉपर हैलाइड का भी होता है और कॉपर के दूसरे कंपाउंड का भी होता है। वो कौन सा हेलोजन है जो ना लेसेग्ने देता है और ना बीलस्टीन देता है? फ्लोराइड। बच्चों बोलो कौन? फास्फोरस के डिटेक्शन में
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सोन, सोडियम पर ऑक्स। कैनरी येलो कलर किसका होता है? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेन। दो बार बोलो, फार्मूला बोलो। LH4 का होल प्राइस PO चार तिहाई 12 12 MOO3। अमोनियम फॉस्फो का मतलब है अमोनियम फॉस्फेट, राइट? बच्चों के कोवेलेंट हैलाइड AZNO3 के साथ प्रिसिपिटेट दे सकते हैं? नहीं देते। प्रिसिपिटेट देगा आयनिक हैलाइड, लेकिन अगर Cl- को हटाने के बाद जो कार्बोकेटायन बना, अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो वो भी प्रिसिपिटेट दे सकता। हमें कोई दो ऐसे हैलाइड बताओ जो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होते हैं फिर भी देते हैं। आयडोफॉर्म और पिक्रिल हैलाइड। आयडोफॉर्म और बेटा आफ्टर क्वालिटेटिव, तुम बगल में तो बैठी हो, थोड़ा और इधर आ जाओ, और इधर आ जाओ। जब ये तार इससे फंसा है तो हटा दिया करो, ठीक है बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आवाज ना करो, कल एक छोटी सी क्लास और लेंगे, बस कल आखिरी क्लास होगी, फिर हम लोग के बैचेस अलग अलग हो जाएंगे, R1 अपने टाइम पर, R2 अपने टाइम पे, टॉपिक चालू होगा सॉलिड स्टेट। कल और समय दे रहे हैं, और कल हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है? ये आपका बायो में भी काम आएगा और केमिस्ट्री में भी काम है, ठीक है? आई क्वांटिटेटिव आपस में आवाज दे। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज निकालना चाहेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का। बच्चों ध्यान सुनो, कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज हम लोग निकालते हैं लीबिग। आवाज हो रही है थोड़ी, लीबिग कंबशन मेथड से। बच्चों बोलो किससे? तुम्हारे मेडिकल में पहला सवाल यही आएगा। कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज किस मेथड से निकालते हैं? लीबिग कंबशन मेथड, ठीक? तो कहते हो जैसे हमारी जो बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री है ना, वहां पे आप किसी हीरो से पूछो आपका गॉडफादर कौन है, तो किसी ना किसी डायरेक्टर का नाम लेता है। हर हीरो किसी ना किसी डायरेक्टर को अपना गॉडफादर मानता है, जानते हो क्यों? क्योंकि उस गॉडफादर ने उसको पहला ब्रेक दिया होता है, पहली मूवी दी होती है, तो दिन भर उसी के पैर छूता है, अपना गॉडफादर मानता है। जैसे हमारा एक बहुत ही कॉमेडियन हीरो है गोविंदा। अब हम अपने टाइम की बात करेंगे, तुम लोग के टाइम में तो आजकल कौन चल रहा है? आयुष्मान खुराना। तुम लोग उसी के पिछले देखो, आयुष्मान खुराना की, ठीक है? और इमरान हाशमी, वो हमारे टाइम का है, ठीक है? लेकिन बहुत ही बिंदास काम। अच्छा, उस हीरो को देख के अलग ही फीलिंग डेवलप होती है, बस अभी कांड होने ही वाला है। बट कुछ भी कहो, मानो इमरान हाशमी मतलब एक बहुत ही बढ़िया, मुझे तो अच्छा एक्टर लगता है, क्या बेटा? हाँ, वो तो अपने जैसा बोलेगा, जैसा खुद राजपाल यादव हो वैसे राजपाल यादव बोलेगा। अच्छा बेटा, तो हर हीरो का कोई ना कोई गॉडफादर होता है जिसने उसको मूवी में पहला ब्रेक दिया होता है, सुनना। उसी प्रकार से
जब हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो हर एलिमेंट का एक अपना गॉड फादर होता है, जिसकी हेल्प से हम उस एलिमेंट का परसेंटेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कार्बन का गॉड फादर है CO2 और हाइड्रोजन का गॉड फादर है वाटर। ठीक, मेरी बात पहले फीलिंग डेवलप कर लो, फिर फार्मूले तो चुटकी में याद हो जाएंगे, पर फीलिंग डेवलप करो। क्या होता है, इन गॉड फादर से कार्बन का परसेंट कैसे निकालते हैं, फीलिंग लाओ पहले। हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है डब्ल्यू ग्राम, फिर सब लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस से हम पता कर चुके हैं इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर हाइड्रोजन। अब हमें पता करना है कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन। सुनना, सबसे पहले क्या करते हैं, जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना होता है हम उस एलिमेंट को उसके गॉड फादर में बाहर लेकर आते हैं। हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी कार्बन होगा उसको CO2 के फॉर्म में बाहर ले आएंगे और जितना भी हाइड्रोजन होगा उसे वाटर के फॉर्म में बाहर ले आएंगे। मान लिया ये W1 ग्राम है, जब W ग्राम को गर्म किया तो W1 ग्राम CO2 बना और W2 ग्राम वाटर। फील करना, W1 ग्राम CO2 में जितना कार्बन होगा W ग्राम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में उतना ही कार्बन होगा और उस कार्बन से हम उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो आप बताओ इस कार्बन की परसेंट को निकालने में किसने हेल्प करी? CO2। इसीलिए CO2 इज द गॉड फादर ऑफ कार्बन। W2 ग्राम वाटर में जितना हाइड्रोजन होगा उतना ही हाइड्रोजन W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, जहां से उसका क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज। तो हाइड्रोजन का परसेंट निकालने में किसने हेल्प करी? वाटर ने। तो ये बन गया हाइड्रोजन का गॉड। हमने आपको रफली अंदाजा दिया कि गॉड फादर का यहां पर मतलब क्या है। हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सर्वप्रथम उस एलिमेंट के गॉड फादर में बदलते हैं और उस गॉड फादर की हेल्प से उस एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो कार्बन का गॉड फादर बोलो CO2, हाइड्रोजन का बोलो। समझ में आया? बताओ गॉड फादर किसे कहते हैं? जिस मॉलिक्यूल की हेल्प से उस एलिमेंट का परसेंटेज निकालते हैं उस मॉलिक्यूल को गॉड फादर कहते हैं। सर्वप्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड को गॉड फादर में तब्दील किया जाता है, फिर उसके वेट की हेल्प से हम उस एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब सुनना, जैसे तुम्हें कार्बन का परसेंट निकालना था, सुनते रहना बच्चों, गॉड फादर कौन है? CO। कैसे निकाले सुनना, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? 12। उस गॉड फादर का मॉलिकुलर वेट इनटू वेट ऑफ गॉड फादर अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू लो भैया फार्मूला बन गया। मैं इस फार्मूले को डिराइव भी कर सकता हूं लेकिन उसकी कोई जरूरत है नहीं, हमें फार्मूला याद ही होना चाहिए। कार्बन का परसेंट निकालना था CO2 की हेल्प से, CO2 में कार्बन का वेट कितना है? 12। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 इंटू
वेट ऑफ गॉड फादर अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू हेड। हाइड्रोजन का परसेंट निकालना विद द हेल्प ऑफ गॉड फादर वॉटर। इस वॉटर में हाइड्रोजन का वेट बोलो 2, वॉटर का 18। अब तुम लोग बोलो, वेट ऑफ गॉड फादर अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू। बात समझ में आ रही? तो मैं अपने बच्चों से फिर से पूछना चाहूंगा, गॉड फादर किसे कहते हैं? वो मॉलिक्यूल जिसकी हेल्प से उस एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, हम उसे गॉड फादर कहते हैं। बच्चों, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुम्हें परसेंटेज निकालना है, सबसे पहले उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस में बदलोगे? गॉड फादर। किस बदलोगे? फिर उस गॉड फादर की हेल्प से उस एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट कर। क्लियर? फॉर्मूला समझ में आएगी? अच्छा, अब मैं अपने छात्रों को गॉड फादर समझा दिया, उनकी हेल्प से परसेंट का फार्मूला कैसे बनाते हैं ये भी समझ लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लीबिग कंबसन मेथड को लीबिग कंबसन मेथड क्यों कहते हैं। मैं एनसीईआरटी का पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं। ये समझ में आ गया सबको यार ना? ठीक, सुन लो, इधर को सब लोग। ये रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेरे सामने पेन कॉपी बंद। क्वालिटेटिव एनालिसिस से मैंने पता लगा लिया इसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है। अब कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, ये पता लगाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लीबिग कंबशन मेथड। हमने इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जलाया, क्योंकि जला रहे हैं इसीलिए इसका नाम पड़ गया लीबिग कंबशन मेथड। जितना भी कार्बन होगा गॉड फादर CO2 में बदल जाएगा, जितना भी हाइड्रोजन होगा गॉड फादर वाटर में बदल जाएगा। अब तो फीलिंग आनी चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गॉड फादर को बनाते हैं। ठीक, अब सुनना, एक बर्तन में आपने ये रिएक्शन कराई होगी। अब देखना, अब हमें पता ये करना था कि CO2 का वेट कितना बना है इस W ग्राम से, और वाटर का वेट कितना बना है इस W ग्राम से। इसके वेट और इसके वेट से कार्बन का परसेंट आएगा, इसके वेट और इसके वेट से हाइड्रोजन का परसेंट आएगा। ये कितना कितना बने हैं ये कैसे पता करते हैं लीबिग कंबसन मेथड में, सुनिएगा। हमारे पास दो यू से फ्लास्क होते हैं, U से, सब ध्यान दो। इस मिक्सचर को पहले U शेप की ट्यूब से पास करते हैं, और फिर दूसरी U शेप की ट्यूब से पास करते हैं। सब लोग देखते रहिए, मैं लिखने का समय दूंगा, लिख लेना। इसमें बच्चों भरा होता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और कली पढ़े हो तुम लोग, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का काम है
इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, हाँ या ना? फील करना बे, फील करना बे, सोचना सोचना। इस यूट्यूब का वजन पहले 20 ग्राम था, फील करना फील करना। जब इस मिक्सचर को पास किया तो इसका वजन हो गया 20.5 ग्राम। तो बताओ ये 0.5 ग्राम किसका वजन है? कदम आ गया। गॉडफादर का वजन कितना आ गया? 0.5 ग्राम। इसका वजन तुम्हें पहले से मालूम था। इन दोनों की हेल्प से क्या निकाल लोगे? हाइड्रोजन का परसेंटेज। अब समझ में आया क्या कह रहे? अच्छा, यहां से हमने इसको पास किया एक दूसरे कंटेनर में बच्चों, जिसमें भरा हुआ था कंसेंट्रेट KOH। बेस का काम होता है एसिड को एब्जॉर्ब करना, इट एब्जॉर्ब CO। बताना, इसका वजन था 50 ग्राम, एब्जॉर्ब करने के बाद हो गया 51 ग्राम। तो 1 ग्राम किसका वेट है? CO2 का। तो CO2 का वेट आ गया। इसका वेट तुम्हें मालूम था। इन दोनों की हेल्प से तुमने किसका परसेंट निकाला? कार्बन। यहां से क्या निकल जाएगी? ऑक्सीजन। क्या निकल जाएगी? दिस इज लीबिग कंबस्शन मेथड। सबसे पहले उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सेस ऑफ एयर में जलाते हैं। जलाने से CO2 को एब्जॉर्ब करवाते हैं CaCl2 से, सॉरी CO2 को एब्जॉर्ब करवाते हैं KOH से, और वाटर को एब्जॉर्ब करवाते हैं एनहाइड्रस CaCl। इन दोनों का वेट आ जाता है। इन दोनों के वेट की हेल्प से हम कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं। इज इट क्लियर? उसी पेज के हाशिए पर, उसी पेज के हाशिए पर लीबिग कंबस्शन मेथड टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जानते हो ये क्यों पढ़ाए ना? एक बार एक जगह क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, आप विश्वास मानिए, सवाल ये पूछा उन्होंने कि लीबिग कंबस्शन मेथड में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कौन करता है? एनहाइड्रस CaCl। और CO2 को एब्जॉर्ब कौन करता है? कंसंट्रेट KOH। ये सवाल पूछा था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए भैया, लीबिग कंबस्शन हो गया। अब हम लोग जाएंगे कैरियस मेथड की तरफ। अभी लिख रहे हो क्या? अच्छा, दो YouTube पहले बना लो, पहले दो YouTube बना लो, फिर आराम से ऐसे बना देना। परसों सुबह की तैयारी अच्छे से करके आइएगा, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। हाइड्रोकार्बन के 91 क्वेश्चन अपने अध्यापक से पूछने का बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल मिस मत करिएगा उसको। ठीक है, सोचो हम लोग अगले 15-20 दिन ऑर्गेनिक को देने वाले हैं, है ना? सॉलिड स्टेट के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स। क्या पढ़ाऊंगा? लगातार फिजिकल खत्म कर दे, दो चैप्टर फिजिकल के रह जाएंगे, उसको मैं छोड़ दूंगा, और इनऑर्गेनिक में एस एंड पी ब्लॉक। और जैसे ही एस एंड पी ब्लॉक खत्म होगा मैं चालू कर दूंगा NCERT की टेस्ट सीरीज। चैप्टर वाइज मैं भयानक रिविजन कराऊंगा, आप देखते चलिए।
मेरा टारगेट इस बार अच्छे बच्चों के लिए नहीं है, हर बच्चों के नंबर 40 क्वेश्चन मिनिमम सही कराने हैं मुझको, मिनिमम 40 क्वेश्चन एवरी ईच स्टूडेंट, बस साथ तुम्हें देना पड़ेगा हमारा। ये अनसोल्ड जो आप लगा रहे हो, मैंने दो बार लगवाने का वादा किया है ना, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, क्योंकि मेरा वचन ही मेरा शासन। जय ओमेगा। दो बार लगवाऊंगा, मैंने बोल दिया तो बोल, ठीक है ना। अब तुम साथ दे रहे हो कि नहीं वो तुम जानो। लिख लिया बेटा? नहीं लिख पाओ? तुम बाल कटवा के आए हुआ है हितेंद्र? हाँ, नए नए से लग रहे हो, सुंदर सुंदर से लग रहे हो। आ जाओ बेटा, बोलो। नहीं तो क्या तुम्हें लीबिक कंबस्शन मेथड क्लियर हुआ? मैं एक बार अपने बच्चों से फिर पूछूंगा, गॉड फादर किसे कहते हैं? वो मॉलिक्यूल जिसकी हेल्प से उस एलिमेंट का परसेंटेज निकालते हैं उसे कहते हैं गॉड। और सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को किस में बदलते हैं? गॉड फादर में। बोलो किस में? लीबिक कंबस्शन मेथड से किन एलिमेंट का परसेंट निकालोगे? कार्बन और बच्चों पानी को किसने एब्जॉर्ब किया? और CO2 को? आंखें बंद करके बोलेंगे, कार्बन के परसेंटेज का फॉर्मूला 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू हाइड्रोजन का परसेंट 2/18 इंटू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक इंटू है। बच्चे काम करें ना, आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन कर ले। तो पेज नंबर 15 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। बोलो, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो पहले, बाद में आगे पढ़ाएंगे। पेज नंबर 15 पे बीच वाला क्वेश्चन, चलो पहले करके दिखाओ फिर आगे बढ़ते। मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तुम लोग को 1000 बार बता चुका हूं, ऑक्सीजन का परसेंट निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। दूसरे एलिमेंट का परसेंट निकाल लो और 100 में से माइनस कर दो। चलो जल्दी से बताओ, ऑक्सीजन का परसेंट कितना होगा? करो बेटा फटाक से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। जल्दी से कार्बन वाला फार्मूला लगाओ तो कार्बन का परसेंट आ जाएगा, हाइड्रोजन वाला फार्मूला लगाओ हाइड्रोजन का परसेंट आ जाएगा, दोनों को 100 में से माइनस कर दो, ऑक्सीजन का परसेंट आ जाएगा। रफ कॉपी में करना पहले। हो गया? अब ये ना कर पाओ तो फिर मतलब होली में रंग पी लेते फिर तो। जो भी आ जाए, हुआ कुछ? चलो बताओ, पहले ये बताओ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहले फीलिंग लाओ,
कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज फार्मूले से निकाल लेंगे और दोनों परसेंट को जोड़कर 100 में से माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक आइए सबसे पहले निकालते हैं कार्बन का परसेंट 12/44। गॉडफादर का वेट बोलो 0.147, ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनटू कोई बताएगा? चुप रहो। 20% सब लोग बोलते हो तो मिक्सिंग हो जाती है। चलो आ जाओ परसेंट ऑफ हाइड्रोजन 2/80, वेट ऑफ गॉडफादर अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू कितना है? 6.6। तो जवानों परसेंट ऑफ ऑक्सीजन बराबर 100 माइनस परसेंटेज ऑफ अदर एलिमेंट। ये कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 73.। सवाल समझ में आ गया? कितने लोगों ने कर लिया? अब ये सभी का होना चाहिए यार। ओके चलिए अब बच्चों वापस से उसी पेज पर पहुंचिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरियस मेथड से फास्फोरस सल्फर और हैलोजन का परसेंटेज। मेरी बात सुनो बच्चों, लेसेगनी टेस्ट से तुमने किनको पहचाना था? नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन। याद करने का तरीका कैरियस मेथड से हम किनका किनका परसेंटेज निकालते हैं। नाइट्रोजन की जगह उसका बड़ा भाई ले लो फास्फोरस, बाकी दोनों वही रहेंगे सल्फर और हैलोजन। ठीक है, लेसेगने से जिन एलिमेंट को पहचानते हैं कैरियस से उन्हीं का परसेंटेज निकालते हैं, बस नाइट्रोजन की जगह पर उसका बड़ा भाई लेते हैं फास्फोरस। जानते हो क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की परसेंट निकालने के दो अलग रास्ते हमारे पास होते हैं, एक जेंडाल मेथड और एक ड्यूमा मेथड। समझ में आ गया? ठीक आइए बोलो कैरियस मेथड से किनका परसेंटेज निकालो? फास्फोरस सल्फर है। जिनको लेसेगने से पता लगाते हैं उन्हीं का परसेंटेज कैरियस से निकालते हैं, बस नाइट्रोजन की जगह पर फास्फोरस। ठीक, अब मेरी बात सुनिए बच्चों, हैलोजन का गॉडफादर है सिल्वर हैलाइड, सल्फर का गॉडफादर है BaSO4 और फास्फोरस का गॉडफादर है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7। ठीक है, ये देखो, ठीक है अभी मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, बस इतना ही बता पाऊंगा ये कौन सा आयन होता है? बोलो फॉस्फेट आयन। बच्चों जैसे ये होता है फॉस्फेट, वैसे P2O7-4 ये बच्चों होता है पायरोफॉस्फेट आयन। हाशिए पे नोट कर P2O7-4 इज अ पायरोफॉस्फेट आयन। एक्चुअली क्या होता है,
फॉस्फेट आयन में दो से गुणा करके एक ऑक्सीजन निकाल दो तो पायरोफॉस्फेट आयन बन जाता है। दो से गुणा करके एक ऑक्सीजन निकाल दो तो पायरोफॉस्फेट बन जाता है। ओके, देखिए जा सभी लोग, देखिए फॉस्फेट में दो से गुणा किया तो P2 हो गया, चार दूनी आठ में एक ऑक्सीजन गया, फार्मूला याद हो गया। चार्ज देखते हैं, तीन दूनी दो से गुणा करने पे माइनस का छह आएगा। जब तुमने ऑक्साइड को निकाला, माइनस टू को निकाल दिया तो माइनस फोर बचे। ऑक्सीजन क्या होता है? O माइनस टू होता है, तो जब माइनस टू निकालोगे तो माइनस फोर बचेगा। ठीक है, तो फॉस्फेट आयन में दो से गुणा करके ऑक्सीजन को अगर हटा दें तो पायरोफॉस्फेट आयन बन जाता है। अब बताओ सोच के, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का फार्मूला, मैग्नीशियम इज पायरोफॉस्फेट इज दो एकम दो, दो दूनी क्रिस क्रॉस करो Mg2P2O। अभी क्लियर हो गया? चल बता भाई, तो हेलोजन का गॉडफादर सिल्वर हैलाइड, सल्फर का बोलो, फास्फोरस का बोलो, क्या इसका फार्मूला याद करोगे? क्या इसका भी याद करोगे? इसका तुम्हें याद है, दो से गुणा करके एक ओ को हटा दिया तो पायरोफॉस्फेट बन गया। अब देखिए, अब इसे मान लो बच्चों, Cl निकालना तो AgCl ले लिया, Br का परसेंट निकालना तो AgBr ले लिया, I का परसेंट निकालना तो AgI ले लिया। हम एक दिखा दे रहे हैं आपको, परसेंट ऑफ Cl विद द हेल्प ऑफ गॉडफादर AgCl। फार्मूला देखो क्या बनेगा, रहने सामने, गॉडफादर में एक Cl है तो एक Cl का एटॉमिक वेट 35.5, गॉडफादर का मॉलिकुलर वेट 108 में 35.5 जोड़ो 143.5, बोलते रहो, वेट ऑन गॉडफादर अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू, बोल लो। ओके, किसी बच्चे को ना मालूम हो तो इस ब्रैकेट के राइट साइड में लिख ले, सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 होता है, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। ठीक, चले बोलते रहो, परसेंट और सल्फर का गॉडफादर, चल भाई आजा, BaSO4 में एक सल्फर है तो एक सल्फर का एटॉमिक वेट 32, BaSO4 का मॉलिकुलर वेट 233, निकाल लोगे? बेरियम का बच्चों बताओ 137 होता है, सल्फर का बोलो, ऑक्सीजन का बोलो, तो आप सबके एटॉमिक वेट को जोड़ोगे 233 आएगा। वेट ऑफ गॉडफादर अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू हेड, क्लियर? चल अब हम लोग बात करते हैं फास्फोरस वाले का फार्मूला। फास्फोरस का गॉडफादर है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, कितने फास्फोरस है? दो, तो 2 × फास्फोरस का एटॉमिक वेट अपॉन, इसका बताओ 222 आया क्या? ना मालूम निकाल लो, मैग्नीशियम का होता है 24, नहीं निकाल पाओगे
दो गुणे 24 प्लस दो गुणे 31 प्लस सात गुणे 16 जोड़ेंगे 222 आएगा। आगे बोलो, वेट ऑफ गॉड फादर अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू बोलो। किसी बच्चे को संदेह तो बोले, कोई आपत्ति किसी को? तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए, कैरियस मेथड से आप फास्फोरस, हैलोजन और सल्फर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक हो जाए एक बार, कार्बन का गॉडफादर, हाइड्रोजन, हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम पाइरोज, फॉस्फेट आयन क्या होता है? PO4-3। फॉस्फेट में क्या कर दे? दो से गुणा करके एक ऑक्सीजन बाहर करो, क्या बन जाएगा? पायरो P2O7-4। लीब कंबसन मेथड में जिससे आप कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंट निकालते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब किसने किया? KOH। और वाटर को बोलो NHCACL। ओके, मेरी बात ध्यान सुनना, आप जानते हो, फिर से बताना, गॉड फादर किसे कहते हैं? वो मॉलिक्यूल जिसकी हेल्प से उस एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उसे गॉड फादर। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम उसी गॉड फादर में तब्दील करते हैं। आप सुनो, बताना, मेरे को इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फास्फोरस का परसेंट निकालना था, बताओ सबसे पहले क्या करोगे? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें बदलोगे? गॉड। आपको मैं बताना चाहूंगा, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को गॉड फादर में बदलते हैं तो हमें यूज करना पड़ता है मैग्नीशिया मिक्सचर। बोलो बे क्या? बोलो बे क्या? बोलो क्या? मैग्नीशिया मिक्सचर इज मैग्नीशियम का कोई सॉल्ट ले लो प्लस NH4OH प्लस NH4Cl। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड मैग्नीशिया मिक्सचर। बोलो क्या कहते हैं? कोई भी सॉल्ट ले लो, MgSO4, MgCl2, कोई भी सॉल्ट ले लो, प्लस NH4OH प्लस NH4Cl, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड मैग्नीशिया मिक्सचर। लिखा होगा? लिखा है बेटा। अब बच्चों हम लोग निकालने जा रहे हैं नाइट्रोजन का परसेंटेज। बोलो किसका? नाइट्रोजन के परसेंट में हमारे पास दो तरीके हैं। पहला हमारे पास है जेलडॉल मेथड। आवाज बिल्कुल नहीं करेंगे, चुपचाप बैठिए। क्या तुम लोग को क्वालिटेटिव एनालिसिस याद हो गया था? ये फार्मूले भी याद हो गए? गॉड फादर का मतलब समझ में आ गई? अगर के को साइलेंट करो तो जेलडॉल पढ़ेंगे और जे को साइलेंट करो तो कैलडॉल पढ़ेंगे। आप दोनों पढ़ सकते हैं, कैलडॉल मेथड या जेलडॉल। ठीक, सुनना, जेलडॉल मेथड से हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, यहां पर नाइट्रोजन का गॉड फादर है अमोनिया गैस। एक आवाज बोलो, बेटा बोलो कौन है? बेटा बोलो कौन है? दूसरी बात, जेलडॉल मेथड में कुछ कमियां हैं। जैसे जेलडॉल मेथड से हम उन कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज नहीं निकाल सकते जिनमें नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन से जुड़ा है या फिर किसी दूसरे नाइट्रोजन से जुड़ा है या फिर रिंग के अंदर उपस्थित है।
ऐसे नाइट्रोजनस कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज हम जेंडाल मेथड से नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल बताइए, जेंडाल मेथड से क्या नाइट्रोजन का परसेंट निकाल सकते हो? NO से लगा है, जेंडाल मेथड काम नहीं करेगा। एजो, जेंडाल मेथड काम नहीं करेगा। एजोक्सी, जेंडाल मेथड काम नहीं करेगा। पिरिडीन, बोलो बे, जेंडाल काम नहीं करेगा। बट व्हाट अबाउट एनिलीन? बोलो, एनिलीन के में नाइट्रोजन का परसेंटेज जेंडाल से निकाल सकते। ना तो नाइट्रोजन ओ से जुड़ा, ना नाइट्रोजन एन से जुड़ा, और ना नाइट्रोजन रिंग में। बोलो हाँ या ना, लिख लीजिएगा, ये नहीं लिखा है। क्यूनोलीन, जेंडाल से निकालोगे? नहीं निकाल सकते। एनिलीन में निकाल सकते, ठीक है। जेंडाल में गॉडफादर बोलो अमोनियम। अब तुम लोग बताना, अगर तुम्हें जेंडाल के द्वारा नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें बदलोगे? किसमें बदलोगे? पन्ना पलटिए, देखिए, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ CuSO4 एंड K2SO4। जितना भी नाइट्रोजन होता है वो अमोनियम सल्फेट के रूप में बाहर आ जाता है, जिसको गर्म करने पर कंप्लीट नाइट्रोजन अमोनिया में तब्दील हो जाता है। ओके, अब आपको विश्वास नहीं होगा, आपके मेडिकल में सवाल ये पूछा गया, सुनना। जेंडाल मेथड में सवाल, ध्यान सुनना, जेंडाल मेथड में नाइट्रोजन का परसेंटेज किसकी हेल्प से निकालते? अमोनिया। बोलो अमोनिया। दूसरा क्वेश्चन, जेंडाल मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन होता है वो सर्वप्रथम किस रूप में बाहर आता है? अमोनियम सल्फेट। किसमें बाहर आया? अमोनियम सल्फेट। ये दो सवाल आते हैं, नाइट्रोजन का परसेंटेज किसकी हेल्प से निकालते हैं? अमोनिया। नाइट्रोजन सर्वप्रथम किस रूप में बाहर आता है? अमोनियम सल्फेट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा एक बात और सुन लो, इन लोगों का परसेंटेज जेंडाल से नहीं निकाल सकते तो किससे निकालोगे? ड्यूमा। किससे बच्चों? ड्यूमा सबसे बढ़िया मेथड होता है। कोई भी नाइट्रोजनस कंपाउंड हो आप उसका परसेंटेज ड्यूमा से निकाल सकते, ठीक। आइए देखिए क्या, छोड़िए, तो ये रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड से गर्म किया इन प्रेजेंस ऑफ CuSO4 K2SO, पूरा का पूरा नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट के रूप में बाहर आ गया, जिसको गर्म करेंगे अमोनिया, ठीक है। अब सुन लो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर 1, फिर बताओ, जेंडाल मेथड में नाइट्रोजन का परसेंट किससे निकालते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन होता है वो सर्वप्रथम किस रूप में बाहर आता है? अमोनियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 3, CuSO4 का यूज बताइए, कैटालिस्ट। बोलो क्या? क्वेश्चन नंबर 4, K2SO4 का यूज बताइए, टू इनक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने का काम करता है K2SO4। ओके, 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए।
अब आइए देखते हैं कि गॉड फादर की हेल्प से नाइट्रोजन का परसेंट कैसे निकालते हैं। किताबी फार्मूला, यही तो लिखा हुआ है बच्चों, ये किताबी फार्मूला है। 1.4 अपॉन डब्ल्यू इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। मेरे बच्चे जानते हैं मिली इक्विवेलेंट बराबर एन इंटू वी। और भी तरीके सबको मालूम है, मालूम है कि नहीं? मैं ना बताने वाला, मालूम है? सुनो, आ जाओ, अब सुनो मेरी बात। ये किताबी फार्मूला है जिसका इस्तेमाल विकास पोरवाल कभी नहीं करते। जेलडाल का क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, चार लाइन का सवाल आता है। कितने लाइन का? जब भी जेलडाल पर क्वेश्चन आए कभी सवाल नहीं पढ़ोगे, सवाल बिना सवाल पढ़े हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे जेलडाल का। कितना भी बड़ा सवाल आ जाए हम सवाल नहीं पढ़ेंगे, पहला पॉइंट। आप सोच रहे हो बात ताज्जुब की बात है, बिना सवाल पढ़े आंसर आएगा? हाँ आएगा। सुनो, कभी भी जेलडाल पर क्वेश्चन आ जाए आप हमेशा फार्मूला लगाएंगे 1.4 अपॉन डब्ल्यू, कॉमन है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब सुनना, इनटू। इसकी जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस इनटू डी। डी को हम लोग कहते हैं डिवाइडिंग फैक्टर। जिन्होंने वॉल्यूमेट्रिक पढ़ी है उन्हें मालूम, क्लियर। डिवाइडिंग फैक्टर का मतलब होता है कैपिटल वी अपॉन स्मॉल। ध्यान दो 1.4 अपॉन डब्ल्यू कॉमन हो गया, इसकी जगह पर मैंने लिखा मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस इनटू डी। डी बोले तो डिवाइडिंग फैक्टर, बड़ा वॉल्यूम बटे छोटा वॉल्यूम, ये वेलोसिटी नहीं है, छोटा वॉल्यूम है, आवाज नहीं, लिखेंगे नहीं, सामने देखो। तुमने देखा ये सवाल जेलडाल का है, किसका सवाल? जब जेलडाल का सवाल है तो आप सवाल नहीं पढ़ेंगे बल्कि आप इन तीन चीजों को खोजेंगे। किसको? तीन चीजों आप देखेंगे, सवाल में एसिड कहां पर है, ये रहा एसिड, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ये आ गया, बोलो। फिर आप खोजेंगे इस सवाल में बेस कहां है, ये रहा साला बेस, इसकी नॉर्मेलिटी इनटू इसका वॉल्यूम, ये आ गया, ठीक। अब आप इस सवाल में खोजेंगे कि एसिड और बेस के अलावा क्या दो वॉल्यूम और दिए गए हैं? अगर दो वॉल्यूम और दिए गए हैं तो बड़े वॉल्यूम में छोटे वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइडिंग फैक्टर। बात समझ में आई? तो सवाल खोजते समय क्या क्या देखोगे? एसिड की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम, और बोलो, बेस की नॉर्मेलिटी और बोलो, इसके अलावा क्या वॉल्यूम दिया गया? तो बड़े वॉल्यूम में छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइडिंग फैक्टर। क्लियर? सुनते हैं सब लोग। अब तुम लोग कह रहे होगे गुरुजी मान लो हमें ये दो वॉल्यूम नहीं मिले। अगर तुम्हें कोई चीज नहीं मिल रही है तो उस चीज को फार्मूले से हटा, जीरो नहीं करोगे, वन भी नहीं करोगे, फार्मूले से हटा। तुम्हें एसिड मिल गया, तुम्हें बेस मिल गया, लेकिन इनके अलावा दो वॉल्यूम नहीं मिले, तुमने डी को हटा दिया। मान लो तुम्हें बेस भी नहीं मिल रहा है, तुमने बेस को भी हटा दिया,
फार्मूला ये इस्तेमाल करो। अब मान लो तुम लोग को में एस तो कुछ नहीं मिल रहा, ले जाओ कुछ नहीं मिल रहा जाओ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एसिड तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, उसको रख दो। बेस मिल जाए उसको रख दो, डिवाइडिंग फैक्टर मिल जाए उसको। तो बताओ जेलनाल पर क्वेश्चन पढ़ोगे? जानते हो ये सारा सबसे लंबा सवाल होता है हम लोग के यूपी बोर्ड में, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता था जेलनाल के ऊपर, अक्सर गलत। क्यों? टीचर इसको इतने लंबे तरीके से सॉल्व करवाते, ये लंबा तरीका। पोरवाल जी ने ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा और छोटा कर, समझ रहे हो? तो कभी भी जेलनाल पर क्वेश्चन आ जाएगा, हम लोग कभी भी क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, लगा देंगे पोरवाल ट्रिक, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस इनटू डिवाइडिंग फैक्टर। जगह खाली दी होगी मैंने बच्चों, जो चीज नहीं मिलेगी उसको क्या करोगे? फार्मूले से हटा, ठीक। क्या नीचे वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा क्या? करो, सवाल किसी ने पढ़ा तो बेकार हो गया। खेल जो जो मिलता जाए उसको रखते जाओ। हो गया? कुछ करने ही नहीं होता है। जयलाल में तो बिल्कुल हलवा कर दिया हमने खेल। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कैलकुलेशन भी ऐसे कर देते तो वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। बताओ भाई अनुपम कुछ कर रहे हो? अच्छा, अनुपम नाम तो बड़ा अच्छा है, अनुपमा भी नाम सुना है हमने। 11.6 आइए देख लेते, जो भी आया सबने कर लिया। चल मेरे भाई, क्या ये क्वेश्चन जेलनाल का है? पहली लाइन में लिखा है जेलनालिज्म में लिखा है। अच्छा तो चलो भैया जेलनाल का सवाल आ जाओ। चलो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ो, कहां दिया है 1.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डब्ल्यू कितना हो गया 1.25। नेक्स्ट हमें चाहिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, कहां दिया है 100 ml 1 normal sulfuric acid। सहमत हो? अच्छा ये बताओ सल्फ्यूरिक एसिड एसिड होता है ना? अच्छा चलो, अच्छा है तुम लोग को मालूम। तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम दिया है 100 ml, नॉर्मेलिटी दी है 1 into -। क्या इस क्वेश्चन में कोई बेस दिया है? कौन सा बेस है? वॉल्यूम कितना है 100, नॉर्मेलिटी कितनी है 0.01 into। बच्चों क्या कोई दो वॉल्यूम और दिखाई पड़ रहे हैं? तो 500 ml बन जाएगा कैपिटल वी और 25 बन जाएगा इसमें। बोलो हाँ या ना? सॉल्व करना है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो गया। चलो आप 25 दूनी 20, ये से ये कट गया, 100 में 20 गया 80। सॉल्व किया कितना 80।
चार लाइन का सवाल आधी लाइन में सौ। बोलो हाया ना कदम जेल्ला, जो ना मिले उसे हटा देंगे छोड़ देंगे। क्लियर? चलिए, तो इस प्रकार से जेल्लाल मेथड हम लोग का क्या हो जाता है खत्म। जेल्लाल मेथड की कमी क्या थी? तीन स्थानों पर ये परसेंटेज नहीं निकाल पाता। जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो और नाइट्रोजन रिंग के अंदर उपस्थित हो तो वहां पर परसेंटेज जेल्लाल से नहीं निकालते, तो किससे निकालते हो? यस बच्चों, ये लिख रहा है क्या? हो गया जेल्लाल हुआ? हो गया? कोई सवाल आ जाए, सवाल पढ़ोगे? सवाल नहीं पढ़ेंगे, बेइज्जती हो जाएगी। बच्चों हमारे पास है ड्यूमा प्रोसेस, सुनो बेटा, ड्यूमा जेल्लाल ये दोनों बच्चों एनसीईआरटी में दिए गए हैं और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जेल्लाल में बच्चों को डर लगता है, उस डर को मैंने खत्म ही कर दिया। अब उस डर को तुम लोगों से डर लगेगा कि किस फॉर्म में जाए कि ये लोग ना कर पाए। किसी भी फॉर्म में आ जाओ बेटा, निपटा देंगे। ठीक है? अच्छा एवं बताओ, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, लेसेग्ने टेस्ट में कल पढ़ाएंगे इसको? अगर हेडिंग खाली खाली लग रहा हो तो भर दे, कल कल भरे। अच्छा तो ड्यूमा कल पढ़ लेंगे, कॉल बंद कर लो, बोलेंगे बजो। लेसेग्ने टेस्ट के द्वारा किनका किनका डिटेक्शन करते हैं? नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन। लेसेग्ने टेस्ट में सबसे पहले सोडियम से फ्यूज क्यों करते हैं? ताकि इनको कोवेलेंट से, अब देखो हम रिवाइज करा रहे हैं यहां, कुछ सुअरों को मतलब नहीं, मतलब नहीं, वो पीछे देखो अपना बैग भरने में लगा हुआ है, हम मूर्ख है। यस सर, ताकि कोवेलेंट एटम्स को आयनिक में बदला जा सके। नाइट्रोजन किस रूप में बाहर आया? बोलो सल्फर, बोलो हैलोजन, बोलो। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन नहीं है तो लेसेग्ने टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन सो बीडीसी भी सो, क्योंकि इसका नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर चला है। आई यार एक बात बताओ यार, हमने क्या किया? लेसेग्ने टेस्ट फॉर नाइट्रोजन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? लेसेग्ने टेस्ट फॉर, हमने लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट लिया, FeSO4 डाला, लेकिन ब्लू कलर के स्थान पर खून जैसा लाल रंग आ गया। इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन और सल्फर दोनों पर कोई लाल रंग होता है, फेरिक थायोसाइनेट। फिर से बोलो, फिर से बोलो। और अगर हिप्नोटाइज कर दिया तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ब्लू आईज तेरी हिप्नोटाइज करती मैंने। ठीक है, ये ब्लू कलर किसका होता है? क्रूशियल ब्लू। किसका होता है? 3+2 या 2+3? तुम्हारे मुंह में कितने दांत? 3+2। फेरी फेरो यार एक बात बताओ, जब सल्फर का पता लगा रहे थे तो लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट में तुमने क्या डाला था? सोडियम नाइट्रो क्रूसाइन। आवाज नहीं आ रही? कौन सा कलर? कौन सा कलर? मतलब सल्फर उपस्थित। जब हेलोजन का पता लगा रहे थे तो AgNO3 डालने से पहले HNO3 क्यों डाला? NaCl और Na2S को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये रिएक्शन में प्रॉब्लम करते हैं। फिर AgNO3 डालेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट तो AgCl और येलो आया तो AgBr या Ag। इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं लेयर टेस्ट। बेटा बोलो क्या? बीलस्टीन टेस्ट। वेट, क्या लेसेग्ने का पार्ट है?
इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को सीधे रखते हैं कॉपर वायर पर, बोलो yes, हरे रंग की फ्लेम yes, तो हेलोजन में भी प्रेजेंट। क्या ये 100% रिलायबल है? कोई कॉपर के दूसरे कंपाउंड भी हरे रंग के हो सकते? वो कौन सा हेलोजन है जो ना लसगने देता ना ब्रेन स्टीम फ्लो, क्योंकि तो इसके कंपाउंड होते हैं आयने। क्या होते हैं बच्चों? बात बताओ, फास्फोरस की डिटेक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारा माल पानी डाला, हमें कैनरी येलो कलर मिला। ये कैनरी येलो किसका है? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्रेट। फिर से बोलो फार्मूला बताओ। NH4 का होल ट्राइज PO4 चार तिहाई 12 MOO अमोनियम फॉस्फोमोल। बच्चों को बताएंगे लीबिक कंबसन मेथड से किसका परसेंट निकालोगे? कार्बन और कैरियस मेथड से फास्फोरस सल्फर और हेलो। जेल्डाल और ड्यूमा से लीबिक कंबसन मेथड में पानी को किसने एब्जॉर्ब किया? एनहाइड्रस CH CO2 किसने एब्जॉर्ब किया? कंसंट्रेट के। गॉडफादर किसे कहते हैं? वो मॉलिक्यूल जिसकी हेल्प से उस एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उसे गॉडफादर कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सर्वप्रथम किसमें बदलेंगे? गॉड। हाइड्रोजन का गॉडफादर, कार्बन का बोलो, हेलोजन का AZH, सल्फर का BASO4, फास्फोरस का मैग्नीशियम पायरोफॉस, जेल्डाल मेथड में नाइट्रोजन सर्वप्रथम किस रूप में बाहर आया? अमोनियम सल्फेट। किस रूप में आया? कैटलिस्ट बोलो, कैटलिस्ट बोलो। बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाया किसने? K2SO4। जेल्डाल में पोरवाल ट्रिक बोलो, 1.4/W मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइन मिली इक्विवेलेंट ऑफ इनटू डी बोले तो डिवाइडिंग कैपिटल वी अपॉन जो नहीं मिलेगा उसे। क्या कल तुम लोग ड्यूमा पढ़ोगे? कल न्यूमेरिकल क्लास तो है नहीं, वो तो परसों होगी। कल हम लोग बच्चों ना सिर्फ ड्यूमा पढ़ेंगे बल्कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी खत्म करें। एग्जिट 8:30 पे चालू कर दो। ओके बेटा, थैंक यू।